गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज़ वॉज एंड वर. ओके, ओपन पेज नंबर 53 ऑफ योर ग्रामर बुक, चैप्टर नंबर 18, वॉज एंड वर. नाउ कम रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. ज्योति वॉज एब्सेंट. ज्योति वॉज अ गुड स्टूडेंट. द चिल्ड्रन वर पोलाइट. वी एंड वर आर वर्ब्स. वी एंड वर क्या है? वर्ब्स हैं. नाउ सी, आई विल एक्सप्लेन यू ऑन पेपर हाउ टू यूज वॉज एंड वर्ब. हाउ टू यूज वॉज एंड वर. सी, वॉज इज यूज विथ. वॉज किसके साथ यूज होता है? वॉज इज यूज विथ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन. ओके, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है. एंड वर, वर इज यूज विथ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन. ओके, नाउ सी, वॉज इज यूज विथ सिंगुलर एंड नाउन एंड प्रोनाउन. एंड वॉज इज, वर इज यूज विथ प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन. नाउ सी, वॉज में क्या क्या आता है? वॉट कम्स विथ वॉज? ही, शी, इट एंड आई. ओके, ही, शी, इट एंड आई. नाउ सी वन एग्जाम्पल. ही डैश गोइंग टू द मार्केट. सेकेंड, शी डैश ईटिंग ब्रेकफास्ट. तो वॉट विल कम विथ ही? ही, ही इज सिंगुलर नाउन, है ना, सिंगुलर प्रोनाउन है ना ही. तो ही के साथ क्या आएगा? वॉज. ही वॉज गोइंग टू द मार्केट. शी, शी भी क्या सिंगुलर प्रोनाउन है? शी वॉज. ओके, नाउ सी थर्ड एग्जाम्पल. इट डैश रेनी डे. फोर्थ, आई डैश रीडिंग अ बुक. तो क्या आएगा? इट, इट क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन. इट वॉज, आई वॉज. ओके, नाउ सी, वॉज यूज्ड विथ नेम एज वेल एज सिंगुलर नाउन. कोई भी अगर सिंगुलर जने का नेम है, मतलब एक पर्सन का नेम है, तो उसके साथ भी क्या यूज होता है? वॉज. जैसे देखो, राहुल डैश डूइंग हिज होमवर्क, है ना, राहुल डैश डूइंग हिज होमवर्क. तो आप क्या यूज करोगे राहुल के साथ? राहुल वॉज. राहुल सिंगुलर है, एक पर्सन की बात हो रही है. राहुल वॉज डूइंग हिज होमवर्क. सेकेंड, द डॉग डैश बार्किंग. डॉग भी एक है, एक ही है, तो डॉग वॉज बार्किंग. सी वन मोर. थर्ड, सलोनी डैश लेट फॉर द पार्टी यस्टरडे. सलोनी डैश लेट फॉर द पार्टी यस्टरडे. तो क्या आएगा? सलोनी वॉज लेट फॉर द पार्टी यस्टरडे. तो कोई भी सिंगुलर पर्सन हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ क्या यूज होता है? वॉज. ही, शी, इट, आई, इन सब के साथ क्या यूज होता है? वॉज. कोई भी सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो, उनके साथ क्या यूज होता है? वॉज. नाउ सी हाउ टू यूज वर. वर के अंदर क्या क्या आते हैं? वर इज यूज विथ प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन. वर के अंदर क्या क्या आते हैं? यू, वी, दे. ओके, नाउ सी, यू डैश एब्सेंट यस्टरडे.
See one more. You dash going to Delhi. See one more. They dash playing cricket. तो इन सबके साथ क्या आएगा? यू व क्या है ये? प्लूरल प्रोनाउन है ना. यू व इसको काट के वी कर लो. वी डैश गोइंग टू दिल्ली. तो वी भी क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है. वी व गोइंग टू दिल्ली. दे व प्लेइंग इन द दे वर प्लेइंग क्रिकेट. ओके नाउ सी वर इज यूज्ड विथ नाउन प्लूरल एंड अब किसी के नेम के साथ भी यूज होता है. जैसे देखो वर इज ऑल्सो यूज्ड विथ नाउन ठीक है. नाउन ऑल्सो यूज विथ नाउन प्लूरल. किसी भी पर्सन के अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं तो उनके साथ क्या यूज होता है? वर. जैसे सी द डॉग्स डैश बार्किंग. तो क्या आएगा? द डॉग्स दो मतलब दो या दो से डॉग्स कितने भी हो सकते हैं दो या दो से ज़्यादा. तो क्या आएगा? व क्या है ये? प्लूरल है. चिल्ड्रेन डैश प्लेइंग इन द पार्क. अब पार्क में कितने भी चिल्ड्रंस हो सकते हैं तो चिल्ड्रन दो से ज़्यादा है ना. तो क्या आएगा? चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क. तो कोई भी अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? वर. और कोई भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? वॉज. नाउ सी वैन टू यूज़. अब एक कन्फ्यूजिंग है वैन टू यूज़. दिस इज इम्पॉर्टेंट. वैन टू यूज़ वॉज एंड वर विथ देयर. अब देयर के साथ आप कैसे वॉज एंड वर यूज़ करोगे वो सीखना आपको. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया देयर वॉज अ किंग और एक और एग्जाम्पल दिया देयर व मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास. ओके तो आप क्या करोगे? इधर देयर वॉज अ किंग एक जने की बात होती है. जब क्या आएगा? जब सिंगुलर हो एक पर्सन हो तो हम क्या यूज करेंगे? वॉज. ओके देयर वॉज अ इन एग्जाम्पल फर्स्ट देयर वॉज अ सिंगुलर. सिंगुलर था ना तो हमने क्या यूज करा? वॉज. देयर डैश एंड मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास. जब बहुत सारे मैनी मतलब बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा है तो वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया. तो क्या हम क्या यूज़ करेंगे? वर. तो उसके साथ अपन को नोट करना है अगर देयर के साथ में अगर सिंगुलर है तो क्या आएगा? वॉज. अगर देयर के साथ में प्लूरल है तो क्या आएगा? वर. ओके नाउ सी whenever we are going to use was and were in the sentence, always remember we are talking about past tense. जब भी हम sentence में was and were use कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना हम किसकी बात कर रहे हैं? Past tense की. जो चीज़ हो चुकी है हम उसकी बात कर रहे हैं. Means something which has already happened. जो already हो चुकी है हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है तो was is used with singular noun and pronoun and were is used with plural noun and pronoun. Okay? Now see a book. I dash sad when I lost my pet. तो I के साथ क्या आता है? Was. See this rule. I के साथ was. The classroom dash big. Classroom एक है was big. Richa was a sweet girl. It was sunny yesterday. Vivek was ill. He was an honest man. Now see were. They were happy when they won the match. We were very tired after the match. You were late for the party. These books were torn. They were not at home in the evening. There were no children in this library yesterday. Now see, choose the correct words from the brackets. Mohan dash an intelligent student. Was your word? Mohan kya hai? Ek hai na? Hum kya use karenge? Was. They dash in the park evening. To they ke saath maine kya bataya tha? They kiske saath mein aata hai? Were. To they were. दे क्या है? प्लूरल है. तो दे वर इन द पार्क इवनिंग. लास्ट दिसंबर डैश द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इन द दिल्ली. तो लास्ट दिसंबर वॉज. लास्ट दिसंबर मतलब एक ही है दिसंबर वॉज.
आई लॉस द साइकिल विच डैश गिफ्टेड बाय माई मदर. साइकिल एक है, आई लॉस द साइकिल विच वॉज गिफ्टेड बाय माई मदर. मीना डैश एबसेंट यस्टरडे. मीना एक ही है तो वॉज एबसेंट यस्टरडे. टीना डैश अनवेल लास्ट वीक. तो टीना भी सिंगल है, सिंगुलर नाउन. टीना वॉज एबसेंट अनवेल लास्ट वीक. चेतन एंड पिया डैश नेबर्स. तो चेतन एंड पिया दो जने हैं तो क्या आएगा, वर्ब. विनीत डैश इन पेन व्हेन ही हर्ट हिमसेल्फ. विनीत वॉज सिंगुलर नाउन है. ओके, नाउ सी फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज एंड वर. द बुक्स डैश इंटरेस्टिंग. बुक्स हैं, बुक्स है ना, मतलब प्लूरल है. तो बुक्स वर इंटरेस्टिंग. मीरा डैश 7 years old when he met her last year. मीरा सिंगल. मीरा was 7 years old. Was. थर्ड, द स्काई डैश क्लाउडी इन द मॉर्निंग. द स्काई was क्लाउडी इन द मॉर्निंग. फोर्थ, द चिल्ड्रेन डैश नॉटी. द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन है तो क्या होगा, चिल्ड्रेन वर नॉटी. द वुड कटर डैश एन ऑनेस्ट मैन. द वुड कटर was एन ऑनेस्ट मैन. द कार्टून डैश फनी. द कार्टून was फनी. द क्लासरूम डैश नॉइजी. द नहीं, द क्लास डैश नॉइजी. द क्लास वॉज नॉइजी. वीना डैश लेट. वीना सिंगुलर है, वीना वॉज लेट. दोज गर्ल्स डैश नॉट इन यूनिफॉर्म. गर्ल्स तो क्या आएगा, दोज गर्ल्स वर नॉट इन यूनिफॉर्म. द स्टार्स डैश कवर्ड विथ क्लाउड्स लास्ट नाइट एंड क्लाउड नॉट. द स्टार्स, स्टार्स है मतलब प्लूरल है, वर. द स्टार्स फर कवर्ड विथ क्लाउड्स लास्ट नाइट एंड कुड नॉट बी सीन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.